बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा आज एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बाढ़ आए हुए थे, जहां डाक बंगला में उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बहुत सारे बिंदुओं पर बातचीत की और बहुत सारे पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। उन्हीं क्रम में उन्होंने बाढ़ के जिला बनाने पर कहा कि मुख्यमंत्री ने स्वयं घोषणा किया है, बाढ़ जिला बन जाता है तो मैं आप पत्रकार लोगों को और बाढ़ वासियों को विधानसभा बुलाकर मिठाई खिलाऊंगा। वहीं उन्होंने कटाक्ष करते हुए यह भी कहा कि जो लोग 20 सालों से राजनीति के सत्ता में काबिज हैं, वो अमृत महोत्सव में अपनी उपलब्धियां गिनाएं। आगे की बातचीत सुनिए कि उन्होंने मीडिया से बातचीतों में किन किन बातों पर प्रकाश डाला। आज का जो कार्यक्रम है बाढ़ के लिए, क्या है? ये तो निजी कार्यक्रम। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि बिहार की जो राजनीति है पहले की तरह अब नहीं रह पा रहा है, थोड़ा सा इसमें उलट फेर तीखा हुआ नजर आ रहा है सर। इसमें सर जो कुछ लोगों का ये कहना है कि बीजेपी की जो छवि जो है इधर बेहतर हुई है बिहार में, और आने वाले समय में लोग आस लगा बैठे हैं कि बीजेपी के मुख्यमंत्री जल्द होंगे बिहार में, यानी कि इस मुद्दा पे आप बात नहीं करेंगे। आपके सर आने से विधानसभा में, जब आपको जो विधानसभा का जब अध्यक्ष आप बने सर, तो यहाँ पे क्या परिवर्तन आपकी नज़र में हो रहा है सर? ये गणतंत्र की धरती है, और गणतंत्र की धरती पर बिहार की लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं 17वीं विधानसभा में, जो आने वाले दिनों में पूरे देश के लिए प्रेरणा देगा कि आज़ादी के बाद पहली बार सदन में 100% प्रश्नों का जवाब आया है और 100% सदन चले हैं कुछ घंटों को छोड़कर। दूसरी चीज़ है कि आज हम बिहार विधानसभा भवन के 57वीं स्मृति स्तंभ बना रहे हैं, 57वीं वर्ष मना रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान का प्रारंभ हुआ है, और हर जिले के अंदर जाकर के इस कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं। आपके यहाँ भी हम लोग करेंगे इस कार्यक्रम को। बाढ़ सब डिवीजन है, बाढ़ से हम लोग का पुराना लगाव है, ये हम लोग के घर के समान है, और एक सकारात्मक संदेश, पक्ष और प्रतिपक्ष में क्रम अंतर रहते हुए भी सकारात्मक संदेश बिहार विधानसभा दे रहा है। और अभी हाल फिलहाल बजट सत्र में विधानसभा के अंदर हमने संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य पर डिबेट करवाया, संविधान की मूल प्रति की प्रतिकृति भी हमने उपलब्ध करवाया, और हमने साफ शब्दों में कहा है कि राजनीति की दिशा और दशा बदलनी चाहिए, अधिकार की बात करने वाले लोगों से 2/3 नौजवानों की आबादी कर्तव्य की पहले उप जानकारी प्राप्त है, जो सत्ता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं उनका समाज के लिए राष्ट्र के लिए क्या योगदान रहा है, उनकी छवि कैसी है, उनके द्वारा जनता के प्रति समर्पण का भाव क्या है, ये कर्तव्य बोध के बाद निर्णय राजनीति की। आपके सर आने से बहुत सारे ऐसे नेता रहे हैं जिन जो आस लगाए रहते थे, और इस सत्र के दौरान में हम लोग बार बार डिस्टर्ब करें और डिस्टर्ब हो भी जाता था, लेकिन ये बहुत कम देखने के लिए आपके समय में मिला, तो ये मुख्य वजह क्या था? ये हमारी उपलब्धि नहीं है, ये सदन के माननीय विधायकों की संवेदनशीलता से सदन चल रही है, सरकार की सजगता से प्रश्नों का जवाब आ रहा है, और यही बिहार जनतंत्र की धरती की खूबसूरती है। सर, आप बाढ़ की धरती पे आए हैं और हम लोग तहे दिल से आपका स्वागत भी करते हैं। सर, बाढ़ के लोग काफ़ी अरसे से एक आस लगा बैठी है सर कि यहाँ बाढ़ को जिला बनाया जाएगा, तो इस संबंध में सर मुख्यमंत्री जी ने आकर के कही है
बताएंगे। देखिए हम लोग संवैधानिक जिस पद पर बैठे हैं, हमारी विधायिका कार्य से और विधानसभा से संबंधित प्रश्नों का ही हम लोग जवाब दे पाएंगे। आपके जो प्रश्न है वहाँ जो प्रश्नकाल के दौरान में जो आपसे बातें होती है, इसी दौरान में कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री भी आपके बात से सहमत नहीं थे तो नोकझोंक भी हुई, लेकिन बाद में उनको इस चीज़ का पछतावा भी हुआ। तो इस तरह का जो संवैधानिक पद है, इस पद के साथ उलझना या इस तरह से बात करना क्या सर संवैधानिक है? वो आपका मत है, आपको क्या लगता तो है? सदन की बात सदन में करते हैं और सदन में जो बात हमको रखनी थी हमने कर दी। इसमें एक्स्ट्रा कल 23 तारीख है जी सर, विजय उत्सव मनाया जा रहा है और भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव पर पूरे देश के अंदर एक नए उत्साह और वातावरण है और जिन लोगों ने राजनीति में नकारात्मक भाव पैदा किया है, अधिकार की मांग करके लोक लुभावने वादे करके सत्ता तक पहुंचने की खेल खेले हैं, अब उनको आज़ादी के शताब्दी वर्ष मनाने का 25 वर्ष के पीरियड में उनको कर्तव्य बोध के पथ पर बढ़ना होगा और कर्तव्य के प्रति सजग होकर समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना होगा, तभी वो सफल हो पाएंगे। चलिए बाढ़ के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बाढ़ ऐतिहासिक धरती है, उमानाथ की नगरी, और ये धरती हमारी कर्मभूमि है। हमारे पिताजी यहाँ शिक्षक थे, हम लोग उन्हीं के माध्यम से इस धरती पर ज्ञान भी अर्जित किए हैं। आज मेरा फैमिली भी रहता है और बिहार की जनता का पूरी अधिकार लखीसराय विधानसभा के साथ साथ बाढ़ का भी उतना ही अधिकार और हक है और जब भी जरूरत पड़ता है इसकी सेवा के लिए हम लोग खड़े रहते हैं। ये धरती आगे बढ़े, राजधानी के बगल में है, सबसे बड़ा फैलाव का, सबसे विकसित होने का अवसर अगर जो किसी को है पटना जिला के तो वो बात की। शुभकामना सर जिला बनने के लिए भी दे दीजिए कि जल्दी बन जाए। तो पहले से शुभकामना है सरकार की ओर से, इसको जब प्राथमिकता में ले रही है तो निश्चित तौर पर आप सबको हम लोग शुभकामना ही नहीं देंगे, विधानसभा के अंदर बुला करके आप लोगों को मिठाई भी।